बैंकिंग सेक्टर के सभी दिग्गज, भारतीय जगत उद्योग जगत के सभी सम्मानित साथी, कार्यक्रम में जुड़े सभी अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, मैं जब से यहां आया हूं, जो कुछ भी सुना उसमें विश्वास ही विश्वास नजर आ रहा है। यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना वाइब्रेंट हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी संभावनाओं को संकल्प में परिवर्तित करते हैं, और सब मिलकर के चले तो संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने में मैं नहीं मानता हूं कि देर लगेगी। किसी भी देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो देश नई छलांग के लिए नए संकल्प लेता है, और फिर पूरे राष्ट्र की शक्ति उन संकल्पों को प्राप्त करने में जुट जाती है। अब आजादी का आंदोलन तो बहुत लंबा चला था, 1857 से, तो विशेष रूप से उसको इतिहासकार एक सूत्र में बांध करके भी देखते हैं, लेकिन 1942 और 1930 दांडी यात्रा और क्विट इंडिया, ये दो ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जो देश को छलांग लगाने का मूड बनाया था। 30 में वो जो छलांग लगी वो देश भर में एक माहौल बना दिया, और 42 में जो दूसरी छलांग लगी उसका परिणाम 1947 में आया। यानी जो मैं छलांग की बात कर रहा हूं, आजादी के 75 साल, और अब एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं कि सच्चे अर्थ में ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। और मैंने लाल किले से कहा था, 15 अगस्त को कहा था, यही समय है, सही समय है। आप सभी नेशन बिल्डिंग के इस महायज्ञ के प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, और इसलिए भविष्य की तैयारियों को लेकर आपका संवाद, ये दो दिवस का आपका मंथन, आपने मिल बैठ करके जो एक रोडमैप सोचा होगा, आपने जो निर्णय किए होंगे, मैं समझता हूं सारी बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी,
जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया, हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है, बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है, और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है, लेकिन एक सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला, और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई हैं। साथियों, जो ये पैसे वापस लेने वाला हमारी कोशिश है, नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है, और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है, और मार्केट से फंड रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है।
एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है। आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच में आए, ये इंतजार मत कीजिए। आपके कस्टमर की, कंपनी की, एमएसएमईज की जरूरतों को एनालाइज करके उनके पास जाना होगा, उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन देने होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने। अब सरकार तेजी से वहां काम कर रही है। क्या उस कॉरिडोर के आसपास जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचेज है, क्या कभी उनको आपने बुलाया, उनसे मीटिंग की कि भाई डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मतलब एक पूरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां आ रहा है, बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है? डिफेंस कॉरिडोर आने से ये चीज आने की संभावना है, कौन कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे, कौन छोटे 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 चेन होंगे, एमएसएमईज होंगे जो इसकी सपोर्ट सिस्टम में आएंगे, इसके लिए हमारा बैंक का अप्रोच क्या होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगा, हमारी अलग अलग बैंकों के बीच में कंपटीशन कैसे होगी, द बेस्ट सर्विसेज कौन देता है, तब तो जाकर के भारत सरकार ने जिस डिफेंस कॉरिडोर की कल्पना की है उसको धरती पर उतारने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है भाई, सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, लेकिन मेरा तो उसी पर ध्यान है। क्यों? और 20 साल से हमारा एक वेल सेटल्ड क्लाइंट है, चल रही है गाड़ी, बैंक भी चल रही है, उसका भी चल रहा है, हो गया। तो इससे होने वाला नहीं है। साथियों, आप अप्रूवर हैं और आपने सामने वाला एप्लीकेंट है, आप दाता है
और सामने वाला याचक, इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। जैसे अब बैंक ब्रांच के स्तर पर ये लक्ष्य तय किया जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र के 10 नए युवाओं या 10 लघु उद्यमियों के साथ मिलकर उनका व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, और उस समय मुझे बराबर याद है साल में कम से कम 2 बार बैंक के लोग हमारी स्कूल में आते थे, स्कूल में, और बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को गल्ला देकर के उसमें पैसा क्यों बचाना चाहिए ये समझाते थे, क्योंकि तब वो सरकारीकरण नहीं हुआ था। तब आपको लगता था कि मेरी बैंक है, मुझे इसकी चिंता करनी है, एक कंपटीशन भी थी। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड का बैंकिंग सेक्टर की आम सामान्य मानवीय को एक ट्रेनिंग भी जरूरी थी। सभी बैंकों ने काम किया है, राष्ट्रीयकरण होने के बाद शायद मिजाज बदला है, लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं, जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था, आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था भाई एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे, तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बात चल पड़ी और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। यह आप ही के तो पुरुषार्थ हुआ है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। जिन जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे, उस समय तो शायद लगा होगा सरकार का एक कार्यक्रम, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इस काम को किया है, इस पैंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है उसका पुण्य उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है। कोई काम, कोई पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है जी। एक सच्ची सोच के साथ सत्य निष्ठा से किया हुआ काम, एक कालखंड आता है जब परिणाम देता है, और जनधन अकाउंट कितना बड़ा परिणाम देता है हम देख रहे हैं। और हमें इकोनॉमी ऐसी नहीं बनानी है
कि ऊपर इतनी मजबूत होती उसकी मजबूती का बोझ इतना हो कि नीचे सब कुछ दब जाए। हमें बैंकिंग व्यवस्था नीचे भी गरीब से गरीब तक उतनी मजबूती देनी है ताकि ऊपर जाती हुई इकोनॉमी जब ऊपर भी बड़ा बल्क बनेगा तो दोनों का सामर्थ्य से भारत पुष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि हमने उसी एक सोच के साथ करना था। अब कल्पना कर सकते हैं कि जब स्थानीय व्यापारियों को यह एहसास होगा कि बैंक और उसके कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं, मदद के लिए खुद उनके पास आ रहे हैं, तो इनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके बैंकिंग के अनुभवों का भी उन्हें बहुत लाभ होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वायबल प्रोजेक्ट ही पैसा लगाएं, लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने में हम प्रोएक्टिव भूमिका भी तो निभा सकते हैं। वायबिलिटी के लिए कुछ एक ही रीजन नहीं होते हैं। हमारे जो बैंक के साथी हैं वो एक और काम कर सकते हैं। आपको ये भली भांति पता होता है कि आपके क्षेत्र में किस किस की आर्थिक क्षमता कितनी है। ब्रांच के नजर के दायरे में बाहर नहीं होता है जी, वो उस धरती की ताकत को जानता है। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन आपसे लेकर जा रहा है, ईमानदारी से समय पर लौटा रहा है, आप उसकी क्षमता बढ़ाने में भी तो मदद कर सकते हैं। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर बैंक को वापस कर रहा है, उसमें कल को कई गुना ज्यादा लोन लेकर लौटाने का सामर्थ्य पैदा हो, इसके लिए आपको उसे आगे बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे आप सभी पीएलआई स्कीम के बारे में जानते हैं और आज किसी के भी उल्लेख भी हुआ, इसमें सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी कई गुना बढ़ाएं, खुद को ग्लोबल कंपनी में बदलें, इसके लिए सरकार उन्हें प्रोडक्शन पर इंसेंटिव दे रही है। आप खुद सोचिए, आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, लेकिन भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी कंपनियों कितनी है भाई। हम पिछली शताब्दी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पिछली शताब्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के वो स्केल थे, पिछली शताब्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसी में गुजारा करने वाले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो काम करेगी तो 21वीं सदी के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आज अगर उसको बड़े बिल्डिंग बनाना है, लार्ज स्केल पर काम करना है, बड़ा बुलेट ट्रेन का काम करना है, एक्सप्रेस वे का काम करना है, तो उसको इक्विपमेंट भी बहुत महंगे लगेंगे, उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोगों के मन में आता है कि मेरी बैंक का एक क्लाइंट ऐसा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो दुनिया के 5 बड़ों में उसका नाम भी होगा। ये इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरी बैंक बड़ी हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे देश की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका अकाउंट मेरी बैंक में है वो भी दुनिया के टॉप 5 में उसका नाम आएगा। मुझे बताइए, आपकी बैंक की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे देश की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हमें हर क्षेत्र में देखना है कि हम दुनिया में सबसे बड़े ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कितने महारथी तैयार करते हैं। हमारा एक खिलाड़ी जब एक गोल्ड मेडल लेकर के आता है ना, गोल्ड मेडल लेने वाला तो एक ही होता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने आप को गोल्डन एरा में देखता है।
ये ताकत जीवन के हर क्षेत्र में होती है जी। भारत का कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति, कोई एक वैज्ञानिक अगर नोबेल प्राइज लेकर के आता है तो पूरे हिंदुस्तान को लगता है हां ये मेरा नोबेल प्राइज है, ये ओनरशिप होती है। क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी हम हिंदुस्तान में ऐसी ऊंचाइयों पर एक एक चीज को ले जाएंगे ताकि बैंकों को तो फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। साथियों, बीते कुछ समय में देश में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, जो योजनाएं लागू हुई हैं, उनसे जो देश में डेटा का बड़ा पुल क्रिएट हुआ है, उनका लाभ बैंकिंग सेक्टर को जरूर उठाना चाहिए। जैसे मैं जीएसटी की बात करूं तो आज हर व्यापारी का पूरा ट्रांजैक्शन पारदर्शिता से होता है। व्यापारी की कितनी क्षमता है, उसका व्यापार कहां कहां फैला हुआ है, उसकी कारोबारी हिस्ट्री कैसी है, इसका अब मजबूत डेटा देश के पास उपलब्ध है। क्या इस डेटा के आधार पर हमारे बैंक उस व्यापारी के सपोर्ट के लिए खुद उसके पास नहीं जा सकते क्या? तो तुम्हारा अच्छा कारोबार चल रहा है यार, और बढ़ाओ, चल बैंक तुम्हारे पास तैयार है, अरे हिम्मत करो यार, आगे निकलो, वो चार काम और अच्छे करेगा, 10 लोगों को रोजगार देगा। ऐसे ही मैं आपके बीच, जैसे मैंने अभी डिफेंस कॉरिडोर की बात कही, मैं भारत सरकार के एक स्वामित्व योजना का भी जिक्र करना चाहूंगा, और मुझे पक्का विश्वास है हमारे बैंक के साथियों ने इस स्वामित्व योजना के संबंध में सुना होगा। आज सरकार, और ये विषय ऐसा है जो लोग इंटरनेशनल इश्यूज को पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि सारी दुनिया इस मुद्दे से जूझ रही है, स्वामित्व के मुद्दे से सारा विश्व। भारत ने रास्ता खोजा है और हो सकता है हम रिजल्ट पे ले आएंगे, ये है क्या? आज सरकार टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन से मैपिंग कराकर देश के गांव गांव में लोगों को प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के पेपर दे रही है। परंपरागत रूप से वो लोग उस घर में रह रहे हैं, कागज नहीं उसके पास, प्रॉपर्टी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके कारण उसको उन घर का उपयोग किसी को किराए पर देने के लिए तो काम आ सकता है, और किसी काम में नहीं आता है। अब इस स्वामित्व के ऑनरशिप के पेपर जब उसके पास है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट ने दिए है, क्या बैंकों को लगता है कि चलो अब उसके पास व्यवस्था है, अब मैं गांव के इन लोगों को जिसके पास अपनी संपत्ति उसके आधार पर उसको कुछ पैसे देने की मैं ऑफर करूं, मैं समझाऊं, देखो तुम्हारे खेत में ये करना है तो तुमको थोड़ी मदद करता हूं, तुम ये कर सकते हो, तुम हैंडीक्राफ्ट में काम करते हो, गांव के अंदर लोहार हो सुथार हो, मैं पैसे देता हूं, तुम ये काम कर सकते हो, अब तेरे घर के ऊपर तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। देखिए, ऑनरशिप के पेपर्स बनने के बाद बैंकों के लिए गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को कर्ज देना अब और सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जब बैंकों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ी है तो बैंकों को भी गांव के लोगों को सपोर्ट करने के लिए खुद आगे बढ़कर के आना होगा। अभी आवश्यक है, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट तो करीब करीब न के बराबर है, जबकि फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत संभावना है, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। गांव में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनरी, सोलर से जुड़े काम, अनेक नए फील्ड तैयार हो रहे हैं जहां आपकी मदद गांव की तस्वीर बदल सकती है। इसी तरह एक और उदाहरण स्वनिधि योजना का भी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन हैं, पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। बैंकों को इसका लाभ उठाते हुए
ऐसे साथियों की मदद के लिए और ज्यादा आगे आना चाहिए। और मैंने बैंकों से भी आग्रह कहा है और मेरे यहां अर्बन मिनिस्ट्री को भी आग्रह कहा है और मैंने सभी मेयर्स को भी आग्रह किया है कि आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजेक्शन सिखाइए। वो थोक में माल लेगा वो भी डिजिटली लेगा, वो बिक्री करेगा तो भी डिजिटली करेगा। और ये सब कोई मुश्किल काम नहीं, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। अब तो उसकी अपनी हिस्ट्री तैयार होगी, आज उसको 50,000 दिया है, कल आप उसको 80,000 दे सकते हैं, परसों 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं, उसका कारोबार बढ़ता चले जाएगा। वो ज्यादा सामान खरीदेगा, ज्यादा सामान बेचेगा, एक गांव में कर रहा तो 3 गांव में करना शुरू कर देगा। साथियों, आज जब देश फाइनेंशियल इंक्लूजन पर इतनी मेहनत कर रहा है तब नागरिकों के प्रोडक्टिव पोटेंशियल को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। और मैं अनलॉक करना यहां 3-4 बार सुन चुका हूं। जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर की ही एक रिसर्च में सामने आया है, आप ही की तरफ से आया है कि जिन राज्यों में जनधन खाते जितने ज्यादा खुले और जितने ज्यादा जनधन खाते जीवंत है, गतिविधि लगातार उन जनधन खातों में चल रही है, बैंकों का रिपोर्ट एक नई बात लेकर के आया है। और जो सुनकर के मुझे खुद को आनंद हुआ कि बैंक का रिपोर्ट कह रहा है कि इसके कारण क्राइम रेट कम हुए हैं। यानी बैंक वाले ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं पुलिस का भी काम कर रहा हूं, लेकिन बाय प्रोडक्ट है, एक हेल्दी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। एक जनधन अकाउंट किसी को क्राइम की दुनिया से बाहर ले आता है, इससे बड़ा जिंदगी का पुण्य क्या होता है, इससे बड़ी समाज की सेवा क्या होती है। यानी बैंकों का जब स्थानीय लोगों से कनेक्ट बढ़ा, जब लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे खुले, तो इसका प्रभाव लोगों के जीवन जीने के तरीके पर भी आया। बैंकिंग सेक्टर की इस ताकत को समझते हुए ही मैं समझता हूं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर के साथियों को आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं यहां जो लोग बैठे हैं उनसे संबंधित बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने अपनी बात बताई, मैं दूसरों का प्रतिनिधित्व की बात बता रहा हूं। लेकिन करने वाले बैंकिंग सेक्टर के हैं, इसलिए मेरी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट मेरा बैंकिंग सेक्टर है, उसके लीडर्स हैं। पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जितना हम नागरिकों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही नए रोजगार का निर्माण होगा, उतना ही देश के युवाओं को, महिलाओं को, मध्यम वर्ग को लाभ होगा। साथियों, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान जो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए उन्होंने देश में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स जिस स्केल पर आगे आ रहे हैं वो अभूतपूर्व है। ऐसे में भारत की एस्पिरेशंस को मजबूत करने का, फंड करने का, उनमें इन्वेस्ट करने का इससे बेहतरीन समय क्या हो सकता है दोस्तों। भारत में, और ये बात हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी समझना ही होगा, भारत में ये आइडियाज पर इन्वेस्टमेंट का दौर है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का दौर है। स्टार्टअप मूल में एक आइडिया होता है, आप उसको पूछने जाओगे एसेट क्या है फलाना, कुछ नहीं होता है, आइडिया होता है। साथियों, आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास डेटा की कोई कमी नहीं है। आप जो रिफॉर्म चाहते थे वो सरकार ने किया भी है और आगे भी करती रहेगी। अब आपको राष्ट्रीय संकल्पों के साथ, राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ खुद को जोड़कर आगे चलना है। मुझे बताया गया है
कि मंत्रालयों और बैंकों को एक साथ लाने के लिए, अभी हमारे सचिव महोदय भी उल्लेख कर रहे थे, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट फंडिंग ट्रैकर बनाना तय हुआ है। अच्छी बात है, काफी सुविधा बढ़ेगी उसके कारण। लेकिन मेरा उसमें एक सुझाव है, ये प्रयास अच्छा है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं हो सकता है कि हम गतिशक्ति पोर्टल में ही एक इंटरफेस के तौर पर इस नए इनिशिएटिव को जोड़ दें। आजादी के इस अमृत काल में भारत का बैंकिंग सेक्टर बिग थिंकिंग और इनोवेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। साथियों, एक और विषय है जिसमें अगर हम देर करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और वो है फिनटेक। भारत के लोगों की हर नई चीज को एडॉप्ट करने की जो ताकत है ना, वो अद्भुत है जी। आज आपने देखा होगा कि फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले क्यूआर कोड लगा करके बैठते हैं और कहते हैं यहां पैसे दो। मंदिरों में भी डोनेशन वाले क्यूआर कोड लगा दीजिए, चलेगा। मतलब कि फिनटेक की तरफ एक वातावरण बना है। क्या हम तय कर सकते हैं, और मैं तो चाहता हूं रेगुलर कंपटीशन का एक वातावरण बने, कि हर बैंक ब्रांच एटलीस्ट 100, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले क्लाइंट होंगे और टॉप में से होंगे। ऐसा नहीं कि भी कोई 1000-2000 रुपए वाला आया और उसको आपने वैसे 100 का, जो बड़े बड़े हैं 100% वो डिजिटली करेगा, जो भी कारोबार करेगा ऑनलाइन डिजिटली करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत हमारे पास यूपीआई प्लेटफॉर्म है जी, हम क्यों नहीं करते जी? अब हम ये सोचे, हमारे बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या स्थिति थी, क्लाइंट आते थे, फिर हम एक टोकन देते थे, फिर वो नोटे लेके आता था, चार बार गिनते थे, यूं यूं करते रहते थे, फिर दूसरा भी गिन करके वेरीफाई करता था, फिर सही नोट है गलत नोट है उसमें दिमाग खपाते थे। यानी एक क्लाइंट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे से बड़ी मुश्किल से जाता था। आज मशीन काम कर रहा है, नोट भी मशीन गिन रहा है, सारे काम मशीन कर रहे हैं, तो वहां तो आपको टेक्नोलॉजी का बड़ा मजा आता है। लेकिन आप अभी भी, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन इस विषय को किस बात के लिए संकोच करते, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नफा या घाटा, उसी के तराजू से इस मिशन को मत सोचिए दोस्त। ये जो छलांग लगाने का कालखंड है ना, उसमें फिनटेक भी एक बहुत बड़ी पटरी है, जिस पटरी से गाड़ी दौड़ने वाली है। और इसलिए मेरा आग्रह है, हर बैंक ब्रांच कम से कम 100, ये आजादी के अमृत महोत्सव में इसको हम साकार करके रहें कि 2022 15 अगस्त के पहले इस देश में एक भी बैंक की ब्रांच नहीं होगी जिसमें कम से कम 100 ऐसे क्लाइंट नहीं होंगे जो 100% अपना कारोबार लेन देन डिजिटली न करते हो। अब देखिए बदलाव आपको पता चलेगा। जनधन ने जो ताकत का आपको अनुभव करवाया है, उससे अनेक गुना ताकत की अनुभूति छोटे छोटे सामर्थ्य से दिखेगी। हमने देखा है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुझे लंबे समय तक राज्य में सेवा करने का मौका मिला, तो हम हर साल बैंक के लोगों के साथ बैठते थे और इश्यू रिजॉल्व करना, कुछ आगे का सोचना, चर्चाएं करते थे। और मैंने अनुभव किया कि एक बात के लिए सभी बैंक
बड़े गौरव से एक बात कहते थे और वो कहते थे साहब विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम पैसे देते हैं, समय से पहले लौटाते हैं, पूरा का पूरा लौटा देते हैं, हमें कभी चिंता नहीं रहती है। जब आपका इतना बढ़िया पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो इसको बल देने के लिए आपकी प्रोएक्टिव कोई योजना है क्या? हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पोटेंशियल इतना ज्यादा है जी, हमारा इकोनॉमी का ग्रास रूट लेवल का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स वो बन सकते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों की बात नहीं की है, मैंने छोटे छोटे लोगों की बात की है कि मुझे पता है कि धरती पर फाइनेंस की आधुनिक व्यवस्थाएं सामान्य नागरिक की आर्थिक मजबूती का बहुत बड़ा आधार बन सकती है। मैं चाहता हूं इस नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ, छलांग लगाने का मौका है ही है, जमीन तैयार है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं बार बार कह चुका हूं, बैंक वालों को 50 बार कह चुका हूं, मैं आपके साथ हूं। देश हित में सत्य निष्ठा से किए हुए किसी भी काम के लिए आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, जैसे ये मेरा वीडियो क्लिपिंग अपने पास रखिए, मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं, आपके लिए हूं। सत्य निष्ठा से, प्रामाणिकता से देश हित के लिए काम में कभी गलतियां भी होती हैं, अगर ऐसी कोई कठिनाई आती है तो मैं दीवार बनकर के खड़े रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब देश को आगे ले जाने में हमें अपनी जिम्मेवारियों को निभाना ही होगा। इतनी बढ़िया मजबूत जमीन हो, इतना बड़ा अवसर हो, आसमान